वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। हर रोज़ की तरह क्रिकेट फील्ड की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ में। लेकिन पहले कुछ हाइलाइट्स दे दूँ आपको। अब केएल राहुल की टीम में वापसी हो रही है और शिखर धवन को कप्तान बनाया गया था केएल राहुल के पहले, लेकिन केएल राहुल जब अब वापस आए हैं तो फिर ऐसे में शिखर धवन से कप्तानी चली गई है। अब केएल राहुल की वापसी पर शिखर धवन ने क्या कहा है आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके साथ साथ एशिया कप में जो भारत और पाकिस्तान का मैच होना है उस मैच से जुड़ी एक बड़ी खबर है। तो क्या कुछ खबरें हैं एक एक करके जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल और शिखर धवन वाली जो ये न्यूज़ है इसके बारे में। अब शिखर धवन से पूछा गया कि केएल राहुल की टीम में वापसी हो रही है तो ऐसे में उनको कैसा महसूस हो रहा है और वो क्या सोचते हैं केएल राहुल के बारे में। तो फिर उन्होंने बोला कि केएल राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वापसी करना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो क्रिकेट फील्ड से दूर थे और अब उनकी टीम इंडिया में वापसी हो रही है तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एशिया कप से ठीक पहले केएल राहुल का पूरी तरह से फिट हो जाना भारत के लिए अपने आप पे काफ़ी अच्छी बात है। और जो लोग कंपटीशन के तौर पे एक तरह से देख रहे थे ना शिखर धवन और केएल राहुल वाला जो सिनेरियो था, भाई जब केएल राहुल नहीं थे तो धवन को कप्तानी दे दी गई, अब केएल राहुल वापस आ गए तो फिर धवन से कप्तानी ले ली गई, तो इस चीज़ को बड़े हेल्दी वे में शिखर धवन ने लिया। और उन्होंने जो भी जवाब दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में कोई ग्रज या फिर कोई ऐसी चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर अब कल मैंने आपको खबर बताई थी कि सूर्य कुमार यादव को लेकर के रिकी पॉन्टिंग ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि देखिए सूर्य कुमार यादव में थोड़ी थोड़ी सी एबी डिविलियर्स की झलक दिखाई देती है। तो अब इस पर पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया है और थोड़े से पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान हैं नाराज़ हो गए हैं रिकी पॉन्टिंग की बात से। अब दरअसल ये बयान जो पाकिस्तान से आया वो दिया है सलमान बट ने, और उन्होंने कहा कि रिकी पॉन्टिंग ने सूर्य कुमार यादव को बहुत जल्दी कंपेयर कर दिया है। सूर्य कुमार यादव का करियर अभी थोड़े समय पहले ही शुरू हुआ है और एबी डिविलियर्स इतने लंबे समय तक खेले हैं तो ऐसे में कंपैरिजन उनका नहीं होना चाहिए था, और सूर्य कुमार यादव में प्रतिभा है लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था रिकी पॉन्टिंग को कंपेयर करने के पहले। तो एक खबर ये आई हुई है पाकिस्तान की तरफ से। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है एशिया कप में 28 अगस्त को जो कि होने वाला है, 15 अगस्त से इसके लिए टिकट्स जो हैं वो बिकना शुरू हो चुकी हैं, और जब टिकट्स शुरुआती 3 घंटे में ही पूरी की पूरी बिक चुकी, और लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि कुछ लोग जो हैं वो टिकट्स को रीसेल कर रहे हैं, यानी कि जो टिकट मान लीजिए आप 2500 की है उसको 5400 में दिया जा रहा है, दिरहम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो टिकट 250 की है उसको 550 रुपये दिरहम में दिया जा रहा है। तो इस तरीके से खबरें आई तो फिर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ये भी लिया जा रहा है। एसोसिएशंस जो वहाँ पर हैं जो पूरा मैनेजमेंट देख रही है कि जो भी टिकट्स रीसेल हो रही हैं उनका जो भी कुछ उनका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्क्रूटनी का तरीका रहेगा, वो जो रीसेल्ड टिकट्स हैं उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होता है ICC इवेंट्स में या फिर जो एक मेजर टूर्नामेंट्स रहते हैं उसी में दोनों टीम सामने सामने होती हैं, सबके मन में क्रेज़ भी रहता है और वो चीज़ देखने के लिए मिली शुरुआती 3 घंटे के अंदर ही पूरी टिकट्स यहाँ पर बिक गई। तो एक ही चेतावनी दे दी है कि अगर आप टिकट्स रीसेल करेंगे तो वो टिकट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी, उनको कैंसिल माना जाएगा। तो एक खबर ये थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये आखिरी खबर है। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने फैफ डुप्लेसिस पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें कप्तान बनाया है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स IPL की जो टीम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 लीग हो रही है वहाँ पर भी एक टीम ली है उन्होंने जिसका नाम जो है सुपर किंग्स के नाम से है, और वहाँ पर फैफ डुप्लेसिस को पहला प्लेयर के तौर पे उन्होंने साइन किया था और उन्हीं को कप्तान भी टीम बनाएगी। तो इस तरीके से आज की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।